लुधियाना पुलिस ने हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले चोरों को धर दबोचा है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले लुधियाना के रोड इलाके में स्थित एक अमेजोन ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी कर्मचारी से लूट की गई थी। लूटपाट और चोरी घटनाओं को अंजाम देने वाले सदस्यों को काबू किया है। फिलहाल अभी इस गैंग के 4 सदस्य पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपी को जल्द पकड़ लेंगे। डीसीपी क्राइम गगन अजीत सिंह ने कहा कि इन आरोपियों के पास तेजधार हथियारों के अलावा करीब 4.25 लाख रुपए की लूट रकम, 14 सीलबंद चोरी के मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, DVR और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਗਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੋਟਲ 13,40,000 ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CIA ACP SHO ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ केस ट्रेस किया। ये अजे तक असी 3 बंदे अरैसट कर लिया जिन्हों को 3,77,000 रुपया रिकवर हो गया, मोबाइल फोन, दात, मारुति कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप से DVR। ये जो मेन जोड़ा सगा लव प्रजापति गोंडा जिले का रहने वाला है, ये इतने जो एमाजोन का किसी होर जगह से एक थानते गोडाउन उत्थे कैशियर सगा, इस करके मेन इन्हें प्लैन किया। पर इन्हें हूँ उ नौकरी नहीं कर रहा है, हूँ इन्हें कि वेला तुरै फिरता से। इन्हें अपना एक गैंग बनाया तो कहा भी आपां इदां जे आपां उत्थे डकैती करांगे तो आपां नूं अच्छी अमाउंट मिलेगी। इन्हां सत्तां ने फिर एक गार्ड दे सट्टां मारियां ते DVR दे सने नाल ही सारा कैश लगे दौड़ गए। टोटल दस्या 13,40,000 कैश सीगा जिहड़ा कि 7 बंदे ने आपस इन्हां ने डिवाइड कर लिया। ਤੀਕਰ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3,77,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਪੀ ਅਤੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰੇ ਆ, ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹ ਟਰੇਸ ਬੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜ ਗਏ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ।